दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के आमरण अनशन का आज दूसरा दिन है। स्वाति मालीवाल जंतर मंतर की जगह राजघाट के सामने पंडाल लगाकर अनशन कर रही हैं। मंगलवार को देर रात पुलिस ने स्वाति मालीवाल समेत सभी प्रदर्शनकारी को जंतर मंतर खाली करने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद स्वाति मालीवाल ने यहां से हटने का फैसला किया। अब उनका आमरण अनशन राजघाट से जारी है। स्वाति मालीवाल की मांग है कि दुष्कर्म के मामलों में दोषी को 6 महीने के अंदर फांसी की सजा सुनाई जाए। तो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा है स्वाति मालीवाल, जिन्होंने कल ये निश्चय किया हैदराबाद गैंगरेप और मर्डर केस को लेकर जिस तरह से देश में उबाल है, प्रदर्शन है, उस बीच उन्होंने यहां पर ये फैसला किया कि वो एक कड़ा कानून आए, 6 महीने के भीतर आरोपी को सजा मिल पाए, इसको लेकर वो आमरण अनशन पर बैठी। कल से ही उनके साथ कई और प्रदर्शनकारी भी शामिल रहे, लेकिन जंतर मंतर पर उन्हें प्रदर्शन आमरण अनशन करने का यहां पर मना ही कर दी गई, जिसके बाद उन्होंने राजघाट में यहां पर अपने आमरण अनशन को शिफ्ट कर लिया है। फिलहाल राजघाट पर वो अपने आमरण अनशन को जारी रखे हुए हैं और जहां पर उनके साथ कई और लोग भी मौजूद हैं। तो अनशन की जगह को हालांकि बदल दिया गया हो, लेकिन अपना इरादा अभी तक स्वाति मालीवाल ने बदला नहीं है और ऐसे में उन्होंने कहा है कि जब तक आरोपियों को, दोषी को 6 महीने के अंदर फांसी की सजा सुनाने का एक कड़ा कानून, एक कड़ा प्रावधान यहां पर नहीं हो जाता है, तब तक वो अपने आमरण अनशन को जारी रखेंगे। तो चेतावनी दी गई थी यहां पर पुलिस के जरिए उनको कि जंतर मंतर पर अपने आमरण अनशन को जारी ना रखें और ऐसे में उन्हें कोई कार्रवाई उनके जरिए की हो सकती है। तो ऐसे में खुद ही स्वाति मालीवाल जंतर मंतर से राजघाट पर शिफ्ट हो गई हैं, लेकिन अब उनका राजघाट पर ये आमरण अनशन जारी है। तो ये तस्वीरें आपको रात के दिखा रहे हैं, जब गहमा गहमी का माहौल यहां पर बना रहा, क्योंकि जंतर मंतर पर आमरण अनशन को लेकर चेतावनी दी गई थी, मनाही की गई थी, और उसके बावजूद भी जब वो बैठी तो सख्त लहजे में पुलिस ने कहा कि यहाँ पर अनुमति नहीं है और ऐसे में आप अपने आमरण अनशन को कहीं और शिफ्ट करें, जिसके बाद फैसला स्वाति मालीवाल ने देर रात वो राजघाट पर शिफ्ट हो गई और राजघाट से ही अब अपने इस आमरण अनशन को वो जारी रखे हुए हैं, जहाँ पर उनके साथ कई और लोग भी मौजूद हैं, उनके आमरण अनशन में साथ दे रहे हैं।